हेलो एंड वेलकम। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस क्लास में, ऑनलाइन क्लास में। देखिए, लॉकडाउन की वजह से आप लोगों का पढ़ाई बिल्कुल ही नहीं हो पा रहा था। क्लास टेंथ के बच्चे के लिए आज हम एक वीडियो लेकर के आए हैं। क्लास टेंथ की जहाँ तक बात है तो अभी कन्फ्यूज़न है, कुछ मेरे मन में कन्फ्यूज़न है, ये हम आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। कन्फ्यूज़न ये है कि हो सकता है इस बार सिलेबस में कुछ काट छाँट हो बोर्ड के एग्ज़ाम में। लॉकडाउन कब तक चलेगा कोई पता नहीं है, लेकिन हो सकता है कुछ हो। लेकिन जो भी हो, हम लोग को पढ़ना पूरा है, पूरे सिलेबस को पढ़ना है और देखा जाएगा आगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इस कड़ी में हम एक काम किए हैं कि हिस्ट्री आप लोग का आज शुरू किए हैं, और इस पूरे वीक हम आप लोग को हिस्ट्री और बायोलॉजी का एक एक लेसन पढ़ाएंगे। हिस्ट्री का ये लेसन शुरू किए हैं और इस लेसन का नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। समाजवाद एवं साम्यवाद लेसन वन हम छोड़ दिए हैं। वन देखा जाएगा कभी पढ़ा जाएगा, तो पहले टू पढ़ ले रहे हैं, क्योंकि सिलेबस का अगर कठिनी छटनी होगा तो या तो शुरू से होगा या तो लास्ट से होगा, और नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं। तो हिस्ट्री हम शुरू कर रहे हैं लेसन नंबर टू, और बायो में भी एक लेसन हम शुरू करेंगे। तो ये दोनों लेसन जो शुरू कर देंगे, बायो का एक लेसन, हिस्ट्री का एक लेसन, ये दोनों जब ख़त्म हो जाएगा तो फिर दूसरे सब्जेक्ट का शुरू करेंगे। तो फिलहाल हम लोग आज जो इस वीडियो में पढ़ेंगे वो हिस्ट्री के लेसन नंबर टू के कुछ क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हिस्ट्री का जो लेसन नंबर टू है, उस लेसन का नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। आप लोग से कोई पूछेगा कि अभी दुनिया में दो साम्यवादी देश का नाम बताइए, दो साम्यवादी देश का नाम बताइए, तो उसमें आप लोग एक नाम बोलिएगा रूस और एक बोलिएगा चीन। ये दोनों कम्युनिस्ट कंट्री है, साम्यवादी देश हैं। तो इस लेसन में साम्यवाद और समाजवाद में, और पूछेगा पूंजीवादी देश का नाम बताइए तो बोलना अमरीका। दो तरह की अर्थव्यवस्था है, एक समाजवादी और एक पूंजीवादी। अमरीका, इंग्लैंड, इन सबके पास पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। रूस और चाइना, इन सबके पास साम्यवादी अर्थव्यवस्था है। और इंडिया दोनों का मिक्सचर है, मिश्रित अर्थव्यवस्था इंडिया के पास है। तो फिलहाल ये सब इकोनॉमिक्स में हम लोगों को पढ़ना है। अभी जो लेसन है, इस लेसन का नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। कोई भी लेसन शुरू किया जाएगा SST में, तो SST का एक नियम है, SST पढ़ने का एक नियम है कि SST में थ्रू आउट जो लेसन आप लोग पढ़ रहे हैं उसको पूरा NCERT का बुक रखिए और उसको पढ़िए, कहानी की तरह पढ़ते जाइए। और बात रहता है SST का क्वेश्चन आंसर का बोर्ड के लिए, बोर्ड में SST में कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, तो 99% क्वेश्चन एक्सरसाइज का रहता है बोर्ड में SST में, खासतौर पे हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में और इकोनॉमिक्स में। सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस, नागरिक एक ऐसा विषय है जिसमें साइंस की तरह क्वेश्चन अंदर से उठा के पूछ देता है। लेकिन हिस्ट्री में जहाँ तक बात है, पिछले 5, 6, 7 साल का क्वेश्चन देख लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन हिस्ट्री में ऐसा नहीं होगा जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं है। सिर्फ एक बार एक क्वेश्चन पूछ दिया था, गिरमिटिया मजदूर, जो एक्सरसाइज के अंदर का क्वेश्चन था, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं था, बुक के अंदर का क्वेश्चन। तो हिस्ट्री में हम लोग का पहला फोकस ये रहेगा हर लेसन में कि जितना क्वेश्चन आंसर है उसको पहले समझ लें, उसको पढ़ लें, उसको याद कर लें, उसको लिख लें। उसके बाद जब क्वेश्चन आंसर हो जाएगा तो फिर थ्रू आउट पढ़िएगा, और बॉक्स बॉक्स दे दे करके बुक में जो लिखा रहता है येलो कलर में बॉक्स दे दे के उसको पढ़िएगा, और उसके बाद स्पेशली पूरे बुक को एक बार पढ़ लीजिएगा। तो बुक पढ़ने से ऑब्जेक्टिव वगैरह का कभी कभी फ़ायदा हो जाता है, ठीक है। तो फिलहाल जो लेसन हम लोग शुरू कर रहे हैं उसका नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। समाजवाद एवं साम्यवाद, इसका पहला क्वेश्चन, पूंजीवाद क्या है? पहला क्वेश्चन है पूंजीवाद क्या है। पूंजीवाद को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म क्या है, पूंजीवाद क्या है? 19वीं सदी में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप, अब यहाँ 19वीं सदी में, 19वीं सदी कहने का मतलब सन 1800 से लेकर के 1899 तक की बात है,
1800 से लेकर 1899 तक की बात है कि 19वीं सदी में औद्योगिक क्रांति आया था, उद्योग धंधा बहुत ज़्यादा स्थापित हुआ था। तो 19वीं सदी में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप समाज में एक नए वर्ग का उत्कर्ष हुआ। ऐसे याद करना है कि 19वीं सदी में औद्योगिक क्रांति आया था। क्या आया था? औद्योगिक क्रांति, जिसके बाद समाज में एक नए वर्ग का उदय हुआ था। 19वीं सदी में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप समाज में एक नए वर्ग का उदय हुआ या उत्कर्ष हुआ था। पहला स्टेप ऐसे याद करना है कि 19वीं सदी में औद्योगिक क्रांति आया था, जिसके बाद समाज में एक नया वर्ग आया था। अपने भाषा में लिखो, जैसे लिखना लिखो, इसको ऐसे लिखोगे 19वीं सदी में औद्योगिक क्रांति आया था, इस क्रांति के बाद समाज में एक नए वर्ग का उदय हुआ था। दो बार में करके लिखो या एक बार में जैसे हम लिखे वैसे लिखो। जिसके पास उद्योग के सभी साधनों पर अधिकार था, ये जो नया वर्ग आया था उसका अधिकार उद्योग के सभी साधनों पर था। जिसके पास उद्योग के सभी साधनों पर अधिकार था और वे समाज के धनी वर्गों में गिने जाते थे। ऑब्वियसली सी बात है कि जिसके पास जितना उद्योग रहेगा उतना धनी था, तो और वे किस कैसे गिने जाते थे? समाज के धनी वर्गों में गिने जाते थे, पूंजीवाद कहे जाते हैं। सिंपल तरीका से याद करना है कि 19वीं सदी में, कब? 19वीं सदी में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप औद्योगिक क्रांति आया, उसके बाद समाज में एक नए वर्ग का उदय हुआ, और वो वर्ग था, जो वर्ग का उदय हुआ उस वक्त के जितने उद्योग थे उस पर उस वर्ग का अधिकार था, यानी कि वो लोग धनी थे, और उसी को हम लोग कहते हैं पूंजीवाद। इस क्वेश्चन को नोट करिए, इसका आंसर नोट कर लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए, और इसको याद करना, दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर वन, पूंजीवाद क्या है? 19वीं सदी में, किस सदी में? 19वीं सदी में औद्योगिक क्रांति आया। क्या आया? औद्योगिक क्रांति आया, जिसके बाद क्या हुआ? समाज में एक नए वर्ग का उदय हुआ, और समाज में जो उस नए वर्ग का उदय हुआ उसका उद्योगों पर अधिकार था। किस पे अधिकार था? उद्योगों पर अधिकार था, मतलब वो धनी था। वो क्या था? धनी था, और वो धनी था, और उसी लोगों को हम कहेंगे पूंजीवाद। हटा दे इसको, क्वेश्चन नंबर टू पे आएंगे। अति लघु का भी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना, याद रखना अति लघु का। क्वेश्चन नंबर टू, एक खूनी रविवार क्या है? दूसरा सवाल, खूनी रविवार क्या है? सवाल है कि खूनी रविवार क्या है, ठीक है? खूनी रविवार क्या है? देखिए हुआ क्या था कि याद रखिएगा, जब रूस की क्रांति हुई थी तो उस समय वहां का राजा जार था, जार निकोलस टू। ये जो जार है, क्वेश्चन ऐसे पूछता है, रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? रूस के सम्राट को क्या कहा जाता था? जार कहा जाता था, जार वन, जार टू, इस तरह से बहुत सारा जार वहां आया और राज किया था। देखिए हुआ क्या था कि एक क्वेश्चन तो आपका यहाँ ऑब्जेक्टिव पड़ रहा है कि रूस के सम्राट को क्या कहा जाता था? जार कहा जाता था, रूस के सम्राट को जार, जार मतलब बर्तन वाला जार नहीं, रूस के सम्राट को जार कहा जाता था।
अब यहाँ एक चीज है कि रूस के सम्राट को हम लोग जान कर देते, एक ऑब्जेक्टिव बन गया। एक और ऑब्जेक्टिव बनता है कि एशिया का एक देश जो यूरोप के किसी देश को युद्ध में हराया था, तो हारने वाला देश था रूस, और एशिया का देश जिसने यूरोप के देश को हराया था वो था जापान। एक तरह का चमत्कार हो गया था कि एशिया का कोई देश यूरोप के देश को युद्ध करके उसको हराया। जापान ने रूस को हराया था, जापान एशिया में है, रूस यूरोप में है, ठीक है। तो देखिए 1904-5 में जापान ने रूस को युद्ध में हरा दिया। रूस के जनता को सदमा पहुंचाई, जापान एशिया का देश हमको हरा दिया, यानी कि हमारे राजा में कुछ गड़बड़ी है, कुछ गड़बड़ है हमारा राजा। उस समय रूस में जो राजा था उस राजा का नाम था जार निकोलस टू, जार निकोलस द्वितीय, ये राजा था रूस का। अच्छा, तो रूस जापान से युद्ध में हार गया था। रूस का जो स्थिति था उतना अच्छा उस समय नहीं था, वहां के मजदूर और किसान लोग भूखे थे, मजदूर और किसान का बहुत बुरा हाल था रूस में। तो 9 जनवरी 1905 को, कब, 9 जनवरी 1905 को रूस में मजदूर, कौन, रूस में मजदूर अपने बीवी और बच्चों को लेकर के जा रहे थे, शांति जुलूस में जा रहे थे। जा कहाँ रहे थे, जार निकोलस द्वितीय के महल में जा रहे थे, जिस महल का नाम था, जो महल था सेंट पीटर्सबर्ग। 9 जनवरी 1905 को रूस में वहां के मजदूर अपने विथ फैमिली, मतलब अपने बीवी बच्चों के साथ, जार निकोलस द्वितीय के महल सेंट पीटर्सबर्ग जा रहे थे। कब जा रहे थे, 9 जनवरी 1905 को। कौन जा रहे थे, रूस के मजदूर और उसके बीवी बच्चे। कहां जा रहे थे, जार निकोलस द्वितीय के महल में जा रहे थे। कहां था महल, सेंट पीटर्सबर्ग में था महल। 9 जनवरी 1905 को रूस के मजदूर अपने बीवी बच्चों के साथ जार निकोलस द्वितीय के महल सेंट पीटर्सबर्ग जा रहे थे। वे नारा लगा रहे थे कि भगवान हमें रोटी दो। ये नारा लगा रहे थे, भगवान हमें रोटी दो, क्योंकि जो राजा था, जो था ना, जार निकोलस द्वितीय, अपने आप को भगवान समझता था, भगवान कहता था कि हम तुम लोग के भगवान हैं। तो बेचारा मजदूर से कह रहा था कि भगवान हमें रोटी दो। ये नारा लगाते हुए शांति सभा में सब जा रहे थे, तभी जो जार था इसका सैनिक वहां पहुंचा और अंधाधुन गोली बरसाया। कौन गोली बरसाया, जार के सेना ने, जार के सैनिकों ने अंधाधुन गोलियां बरसाई, जिसमें हजारों लोग मारे गए। और यह दिन रविवार का था, यह दिन कौन था, रविवार का था, और रूसी इतिहास में इसे ही खूनी रविवार कहा जाता है। याद हो गया हमें, 9 जनवरी 1905 को